Welcome to Love Food. हेलो जी, तो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। लव फूड में आपका वेलकम है। मैं सायमा असलम आज फिर आपके लिए एक रेसिपी लेकर आई हूँ, होम मेड रेसिपी लेकर आई हूँ। भाई हमारे यहाँ जो है वो बच्चों को बड़े पिज़्ज़ा वगैरह जो है वो बहुत पसंद होते हैं, तो घर में कैसे कम बजट में पिज़्ज़ा बना के देंगे वो हम ज़रा देखें। यहाँ से मैंने क्या कहते हैं जर्नी देखें मेरी कि मैंने किस तरह क्या क्या चीज़ें ली हैं। जी मैंने डेढ़ केजी जो है वो मैदा लिया था, और ये मुझे 130 रुपए का आई थिंक पड़ा था ये मुझे मैदा। और इसके अलावा मैंने ये यहाँ से और कुछ नहीं ख़रीदा मैंने। अच्छा, यहाँ जो है वो मैंने सब्ज़ी खरीदी थी, और मैंने सब्ज़ी जो है वो मैंने यहाँ पे उगाई। वॉइस ओवर मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि बहुत लंबी वीडियो हो रही थी मेरी, तो इस वजह से मैंने फिर सारी बैक वाली वॉइस जो है वो ख़त्म कर दी, वरना इरादा तो यही था कि आपके साथ सारा शेयर करूँगी। अच्छा, यहाँ जो है वो मुझे सब्ज़ी ये इनके पास वो तो बहुत अच्छा था, लेकिन शिमला मिर्च ताज़ी नहीं थी जैसी मुझे चाहिए थी ना, तो फिर मैंने यहाँ से शिमला मिर्च देखेंगे दूसरी वाली ये नहीं आगे मैं आ गई थी थोड़ा, जहाँ इनके पास बड़ी ताज़ी थी, तो ये मैंने एक पाव शिमला मिर्च परचेज़ की थी, और ये कुछ मुझे 60 रुपीज़ की पड़ी थी। और इसके अलावा मैंने प्याज ली थी, प्याज जो है वो भी मुझे वो मैंने 30 रुपीज़ की ली थी। ये प्याज है, मैंने छोटी छोटी प्याज ली थी क्योंकि मुझे प्याज डालने के लिए चाहिए थी। पिज़्ज़ा में प्याज बड़ी अच्छी लगती है अगर उसको मैं चीज़ डाली जाए तो। और मुझे मेरे पास बजट जो था वो 800 का था, तो मुझे उसमें ही सारा ओवरऑल पूरा करना था, तो मैंने प्याज का जो है वो थोड़ी ही परचेज़ की कि मुझे सिर्फ पिज़्ज़ा के लिए ऊपर गार्निशिंग के लिए हो जाए। अच्छा, यहाँ से जैसे ही हम ये सारा करके निकले तो हमने ये यहाँ से चीज़ खरीदे परचेज़ किया, और चीज़ जो है वो 220 का चीज़ मुझे यानी कि 200 ग्राम मुझे चीज़ मिला। ये कि चीज़ जो है वो ये खुला है, लेकिन ये चीज़ अच्छा होता है। मैंने कहा इसको भी ट्राई करके देखें, हम हमेशा ब्रांड के चीज़ वगैरह यूज़ करते हैं, तो आज ये वाला ट्राई करके देखते हैं। मैंने इससे पहले भी एक दफ़ा ट्राई किया था, वो ये अच्छा था। अच्छा, ये पिज़्ज़ा सॉस है, ये मैं फ़र्स्ट टाइम लोकल ली थी, लेकिन मैंने इससे पहले कभी नहीं ली, हमेशा या तो किसी ब्रांड की यूज़ की, शिंगरेला या नेशनल वगैरह की यूज़ की। ये पिज़्ज़ा सॉस थी, और इसका टेस्ट भी अच्छा था पर थोड़ी मीठी थी ये। अच्छा, और यहाँ मेरा सामान कुछ बना था, ये 100 की ये थी, और 220 का मेरा पिज़्ज़ा चीज़ था, और यहाँ मेरा कुछ 320 का बजट बना था। और इसके अलावा मैंने यहाँ से ईस्ट लिया था, और बस यही आइटम मैंने यहाँ से परचेस किया था, और मैं घर आ गई थी फिर। अच्छा, मैंने जो है वो कीमा जो है वो घर से किया था, यानी कि मैं गोश्त का जो है वो बना रही थी, इस वजह से क्योंकि मेरे पास बजट कम था तो गोश्त का मैंने बनाया। लेकिन गोश्त का एक लिहाज से ये बड़ा ही यमी था, आप भी ट्राई करें, बहुत से कम लोग ट्राई करते हैं। और हम बाहर से भी जब परचेज़ करते हैं तो हम सिर्फ उसका मंगवाते हैं, पिज़्ज़ा चिकन वगैरह का मंगवाते हैं ना, बीफ का कोई भी नहीं मंगवाते। तो ये बीफ का गोश्त था, मैंने उसको कीमा कर लिया था, इसमें मैंने लहसुन अदरक मिलाया और 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक डाला, 1 टीस्पून जो है वो मैंने चिली सॉस चिली फ्लेक्स डाली है, और कोटावा धनिया जो है वो मैंने 1/2 टीस्पून डाला है, और इसके अलावा ये देखिए रेड वो है मिर्ची। अच्छा, मैंने ना मसाले कम रखे थे, और नमक आप अपने हिसाब से ज़रूरत डाल सकते हैं। मसाले कम इसलिए रखे थे कि मुझे इसको बिल्कुल भून कर ख़त्म करना था, और हल्दी मैंने 1/2 टीस्पून डाली है, नमक अपने हिसाब से आप डाल सकते हैं, और इन सबको मिक्स कर लीजिए अच्छे से। इसको अच्छे से मिक्स करके आपने थोड़ी देर के लिए 1/2 आवर के लिए रख देना है, तो ये जब आप रख देंगे इसको तो ये क्या हो जाएगा कि कीमे के अंदर सारे मसाले अच्छे से मैश हो जाएंगे, बैठ जाएंगे, ये देखें। और अच्छा, एक और चीज़ की कीमे का एक एक्सपीरियंस भी था, एक कम बजट में बनाने का चैलेंज भी था कि भाई कम बजट है और इसमें मुझे ये सब चीज़ें करनी है, बनाना है, तो इस वजह से थोड़ा इंजॉयबल भी था मेरे लिए कि कम बजट में कैसे बनाया है। वरना हमेशा ऐसा होता है कि जब पिज़्ज़ा बनाना है तो भाई चीज़ भी खाली इतनी आ रही है, 2000 की तो चीज़ आ रही है भाई,
तो यहाँ पर देखें, ये मैंने कीमा रखने के बाद हाफ एन आवर बाद ये मैंने इसको फ्राई पैन में डाल दिया है और मैंने वन टेबल स्पून मैंने इसमें ऑयल डाला है और इसमें मैंने कीमा डाल दिया है। इसमें मैं सब चीज़ें डाल चुकी थी, उससे मुझे कुछ और डालने की उम्मीद नहीं थी। और इसको अब आप देख लें, इसको जैसे जैसे ये घर में किया हुआ है, लास्ट टाइम मैंने बताया था घर में करते हैं तो वो ज़रा थोड़ा मिक्सिंग अभी भी मैं एक दूसरे से वो होता है, जैसे पकेगा वो अलग होना शुरू हो जाएगा। इसको अब पकने के लिए छोड़ देंगे, मतलब कितनी देर तक छोड़ना है कि ये ईजी यानी कि बिल्कुल कुक्ड हो जाए, बिल्कुल ही इसका कलर चेंज हो जाए। और इस दौरान में हमारा डो भी मैंने साथ साथ डो के लिए आटा भी गूंद लिया था, और जो कि मैंने आटा नहीं दिखाया था कि मतलब बहुत लंबी वीडियो हो रही थी तो मैंने सोचा था कि मैं आटे की डो की कभी वीडियो फिर बना लूँगी, इसलिए डो की वीडियो नहीं बनाई थी ना। तो अब ये है कि मैं कभी फिर बनाऊँगी तो मैं डो की वीडियो ज़रूर शेयर करूँगी जो बिल्कुल बिगनर्स हैं उनके लिए, क्योंकि जब फर्स्ट टाइम मैंने भी बनाया था तो मुझे भी बहुत प्रॉब्लम हुआ था और मैंने भी देख कर ही और वो किया था। और अब तो मैं बहुत सालों से बना रही हूँ तो अब इतना ईजी हो गया कि पता ही नहीं चलता कि नॉर्मल आटा और डो वाले आटे के लिए। अच्छा, इसके अलावा ये देखेंगे इसमें पानी इसमें छोड़ दिया है ही मैंने, तो आप इस तरह देखें इसको इस तरह करते जाएं, ये मिक्स करते जाएं तो ये ज़्यादा ईजी हो जाएगा। अच्छा, ये देखेंगे मेरा डो जो है ये बहुत अच्छे से फूल गया था बिल्कुल, और इसको मैंने कम से कम भी 2 से 3 घंटे छोड़ दिया था इसको। अच्छा, आप 1.5 घंटा भी छोड़ें कोई इशू नहीं है। ये देखिए डो के साथ अभी मैं इसमें जैसे जैसे इसको वो करती जाऊँगी ना, ये डो मेरा वो छोड़ता जाएगा। ठीक है, मैंने इसके पेड़े बना लेने हैं जितने आपको यानी कि पिज़्ज़ा चाहिए, मुझे 8 पिज़्ज़ा चाहिए थे तो मैंने 8 पिज़्ज़ा के पेड़े बनाए थे। और आप क्या कहते हैं, अच्छा अगर बहुत ज़्यादा आटा आपका चिपक रहा हो, क्योंकि कभी कभी आटा ऐसा होता है कि ताज़ा होता है तो वो चिपकता है, वो बहुत जल्दी इतनी जल्दी वो नहीं करता ना, वरना जैसे जैसे गूंदो ना आटा छोड़ना शुरू कर देता है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि आटा नहीं छोड़ा होता तो इसका मतलब वो बहुत ज़्यादा ताज़ा है। तो ये आप आटे को जो है वो थोड़ा सा ऑयलिंग कर लें और इसको अच्छे से वापस कुक कर लें। मुझे इसको बैठाना नहीं था इस आटे को, इसलिए मैंने इसको नहीं किया था। अब ये देखिए मैंने इसमें थोड़ा सा आटा भी मिला लिया तो ये थोड़ा और बेहतर हो गया। अच्छा, आटे की क्वांटिटी ज़्यादा नहीं रखिएगा, सूखे आटे की, उससे क्या होगा कि आपका जो है ना पेड़ा यानी कि ये जो रोटी बनेगी वो बहुत ही अजीब सी बनेगी, मतलब अच्छा वो नहीं आएगा, इसका पिज़्ज़ा वाला लुक नहीं आएगा। तो कोशिश करें कि कम ही इसमें आटा लगाएं। हाँ, अगर ऑयल का इस्तेमाल कर लेते तो कोई इशू नहीं, ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं आप। ये देखिए हमारा कीमा तकरीबन हद तक हो चुका है, और इसको ढक के थोड़ी देर रख देंगे। अच्छा, सारा मैं वॉइस ओवर करी, मैंने सारा यही किया था कि मैंने डायरेक्ट वीडियो सोची थी कि मैं डायरेक्ट वीडियो आपके साथ शेयर करूँगी, डायरेक्ट जर्नी शेयर करूँगी, वो ज़्यादा अच्छी लगती है। लेकिन ऐसा था कि मेरी वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो रही थी, इनकेस ये बहुत ही लंबा हो रहा था ये वाला व्लॉग, मैंने जिस तरह हैपनिंग किया था लेकिन ये हुआ नहीं। लेकिन ये था कि बहुत ही इंजॉयबल टाइम था, बहुत मज़ा आया था, हमने इंजॉय करके इसको बनाया था, तो मैं आपके साथ वो भी शेयर करती हूँ अगर इन किसी वीडियो बड़ा नहीं होता, तो कट कट करके नहीं शेयर करना मज़ा नहीं देता ना। ये देखेंगे इसका मैंने डो जो है वो उसको मैंने रोटी बना ली है, अब देखेंगे आप रोटी बना लें और इसको तवे पर डाल दें, क्या कहते हैं ये आपका जो है वो पिज़्ज़ा रोटी बन जाएगी। यानी पिज़्ज़ा का जो डो मिलता है मैं बाहर बाज़ारों में मिलता है वो कैसे मिलता है वो मैं ये बता देती हूँ आपको। ये देखिए इस पर फोक मेरे पास उस वक्त मुझे मिल नहीं रहा था तो मैंने इसको नाइफ से कट लगा लिए थे। ये देखिए ये मैंने इसको अच्छे से रख दिया, ये गोल भी बन गई मेरी और बहुत ही अच्छा वो दे रहा है। और इसकी जैसे इसको अच्छा बहुत ज़्यादा सेंकना नहीं है, बहुत ज़्यादा पकाना नहीं है, इसको हल्का हल्का सा डो को वो करना है, क्योंकि जब ये पिज़्ज़ा ब्रेड उसमें जाएगा ना अवन में भी जाएगा तो ये बहुत अपना ये उस वक्त भी पकेगा, ये काफ़ी अच्छा उस वक्त भी वो होगा और कहीं से भी आपको कच्चापन नहीं लगेगा इसको। लेकिन इसको यहाँ पे ही आप इतना वो कर लें कि ये मतलब हल्का हल्का सिक जाए। देखिए कोशिश करेंगे एक एक डो सेकिएगा, अलग अलग डो सेकते जाएंगे, मतलब एक एक जो है वो सेकते जाएं, वरना आप ये रख कर और दूसरा डो बनाएंगे तो ये क्या होगा कि बहुत ज़्यादा वो हो जाएगा ना। ये देखेंगे मेरा पिज़्ज़ा डो जो है
वो तैयार हो गया। अच्छा, उन लोगों का थोड़ा मशीन वाला होता है और उनके पास फटर कटर्स कुछ ऐसे होते हैं ना कि ये वो लोग इसको फोल भी कर सकते हैं, जैसे सॉस भरने के लिए या उसकी वो करने के लिए, इसकी बहुत अच्छा सा जैसे कौरे किनारियाँ बनी हुई होती है, तो उनके पास ऐसा पैन होता है, वो उस पैन में वो ये डो डालते हैं और फैलाते 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 उसको राउंड कर देते हैं, तो जब वो पकता है ना तो वो थोड़ा सा मोटा और ऐसा होता है ना। अच्छा, इसमें मुझे थोड़ा सा ऑयल की कमी लग रही थी कीमे में, तो मैंने इसमें ऑयल डाल दिया था थोड़ा सा। देखिए ये कितने अच्छे से पक गया है, बिल्कुल ही प्रॉपर हो गया है और टेस्ट भी बहुत अच्छा हुआ है इसका। ये देखिए ये टेस्ट भी अच्छा हुआ है, मैंने खा के बताया। अच्छा, अब इसमें मैंने वन चुटकी जो है, मतलब वन चुटकी के लिए एक चुटकी जो है वो मैंने इसमें वो डाल दी है, गर्म मसाले की डाल दी है। और ये बस इसको आपने थोड़ी देर घुमाना है, इसको कुछ और नहीं करना, पकाना इतना ज़्यादा नहीं, मैंने आँच बहुत स्लो रखी है। और जैसे जैसे ये पक जाए, देखें कीमा अलग होना शुरू हो गया ना, बिल्कुल ही वो हो गया कीमा। अब जब आप इसको उस पर डालेंगे, स्प्रेड करेंगे, तो बहुत ही अच्छे से ये हो जाएगा। अच्छा, यहाँ मेरे सारे डो जो हैं वो बन गए थे, ये देखिए मैंने सारे डो मैंने बना लिए हैं। और अब मैं इस पर जो है पिज़्ज़ा सॉस डाल रही हूँ, ये जो मैं आपके सामने, मैंने आपके सामने ही ये सब चीज़ें परचेज़ की थी, ये पिज़्ज़ा सॉस ये मैं ले आई थी। और ये देखिए ये पिज़्ज़ा सॉस मैंने, क्या कहते हैं, अच्छा मैंने पिज़्ज़ा सॉस के साथ केचप नहीं मिक्स किया क्योंकि पिज़्ज़ा सॉस ऑलरेडी बहुत मीठा था ये। और शिमला मिर्च के मैंने ये देखें इस तरह के काट लिए हैं, और सबको पता है शिमला मिर्च कैसे कटी हुई होती है इसकी, मैंने ये दिखाई नहीं, मैंने काटते में नहीं दिखाई थी ये कि मैं कैसे काटती हूँ, क्योंकि बहुत ही लॉन्ग वीडियो जा रहा था इस वजह से। और ये देखिए ये बिल्कुल ही वो हो गया, ये चीज़ मैंने इस पर डाल दी है। अच्छा, चीज़ का इस्तेमाल मैंने ज़्यादा नहीं किया था क्योंकि मुझे 8 पिज़्ज़ा पूरे मुकम्मल करने थे, तो इस वजह से मैंने चीज़ का इस्तेमाल ज़्यादा नहीं किया था। और लेकिन फिर भी मैंने इतना किया था कि इजी हो गया सब, इजी मतलब अच्छे से खाया जा सके, और ज़्यादा चीज़ वैसे भी नुकसान का होती है तो कम चीज़ में खाना चाहिए। और लेकिन आप चाहें तो ज़्यादा चीज़ भी ले सकते हैं, ये मैंने बिल्कुल होममेड बताया है, जो बच्चों को हेल्दी भी रहेंगे और बच्चे ईजी होके खा भी सकते हैं इसको ना। ये देखें कितना अच्छा इसका वो उतर के आया है, लुक आया है इसका, और आप भी इसको ट्राई करें और खा के बताएं, बनाएं, खाएं, फिर मुझे बताएं कैसा बना है। और इसके, अच्छा इसके ऊपर देखिए मैंने हल्का सा ये चिली फ्लेक्स डाला है, आप डालना चाहें आप डाल सकते हैं, ऑप्शनल है, ना डालना चाहें ना डालें, सॉस के साथ खाएं, बहुत मज़े का लगता है और वाकई बहुत यम्मी बना था कि हमने बहुत इंजॉय किया था इसको खाते हुए। फिर कभी ऐसा होगा तो मैं जर्नी शेयर करूँगी इसकी कि हमने वाकई बहुत इंजॉय किया था। ओके जी, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।